बिल्कुल जी, इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परेड ग्राउंड जलसे में मौजूद हूँ। कुछ ही देर पहले बताया गया है कि एक मशकूक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ये कौन शख्स है? मेरे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद सुहेल जफर चट्टा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बात कर रहे हैं। जो मशकूक शख्स गिरफ्तार हुआ है उसके हवाले से हमें बताइए कौन है, गिरफ्तारी कैसे अमल में आई है? जो गिरफ्तार हुए हैं वो KP पब्लिक हेल्थ के एम्प्लॉय हैं और इस जिस गाड़ी में थे वो टिंटेड कार थी। तो हम समझते हैं कि ऑल्दो द वेपन वाज द लाइसेंस्ड वन, लेकिन जलसा गाह में वेपन लेके आने की इजाज़त नहीं है। तो इनको हमने गिरफ्तार किया है, पुलिस स्टेशन शिफ्ट किया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? हमने देखा थ्रेट्स भी मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म को, कितनी नफरी तैनात है, क्या खसूसी इंतजाम किए गए हैं? हमने 2000 के लगभग नफरी तैनात की है 3 लेयर्स में। इसमें स्नाइपर्स भी शामिल हैं, इसमें स्टेज की सिक्योरिटी भी शामिल है, और हर वो शख्स जो जलसा गाह में एंटर हो रहा है उसकी 3 जगहों पर तलाशी हो रही है। तो कारकुनान के हवाले से बता दीजिए, तावुन किया जा रहा है? चूँकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ तमाम तर SPs, तमाम तर जो आला हुकाम हैं पुलिस के वो तो यहाँ मौजूद हैं, नफरी भी तैनात है, कारकुनान तावुन कर रहे हैं? देखिए कारकुनान तो तावुन कर रहे हैं, मगर इनकी लीडरशिप ने जो रिटर्न एश्योरेंस दी थी एडमिनिस्ट्रेशन को और कोर्ट्स को, उसकी इन्होंने वायोलेशन की है और इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है उसको अल्टर किया है और अभी एक रैली की शक्ल में ये आ रहे हैं जो इनके रिटर्न प्रोग्राम से हट के है। तो इससे एक नई जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो पैदा होने का एहतमाल है। तो मैं समझता हूँ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर में क्या लीडरशिप के लिए और कारकुनान के लिए क्या पैगाम है? रात 12 बजे तक अगर आज ये जलसा ख़त्म नहीं होता, एक और खिलाफ वर्जी हो जाएगी, तो कैसे डील करेगी इस्लामाबाद पुलिस? हम चाहेंगे कि ये वायलेशन ना करें और जो इन्होंने कमिटमेंट इन राइटिंग दी है उसको ये ऑनर करें, और अगर ये कमिटमेंट से हटेंगे और ये लॉ को वायलेट करेंगे तो कानून के मुताबिक एक्शन होगा। कानून के मुताबिक एक्शन होगा। मेरे साथ है DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद सुहेल जफर चट्टा साहब मौजूद थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल पीछे स्टेज बनाया गया है, यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात की गई है। जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसके भी यहाँ पर अहलकार मौजूद हैं। तमाम तर जो जोनल SPs हैं वो मौका पर मौजूद हैं। तमाम तर 2000 से ज़्यादा अहलकार बताए जाते हैं जो जिनको यहाँ तैनात किया गया है। एंटी लिफ्टर जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर पार्किंग के हवाले से जो मामला हैं उनको भी देखा जा रहा है, और खुसूसन जो मशकूक शख्स है उसकी गिरफ्तारी के हवाले से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि काले शीशों वाली जो कार है वो बताई जाती है उनके पास मौजूद थी, वेपन भी बरामद किया गया, और जो ताल्लुक था वो KPK से था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अब तक जो तहरीक इंसाफ की क्यादत है उनकी जानिब से जो उनका रिटर्न माहिदा हुआ था जिला इंतजामिया के साथ उसकी खिलाफ वर्जी देखने में आई है, और अगर रात गए तक जो जलसा है वो ख़त्म नहीं किया जाता और एक और जो है वो खिलाफ वर्जी की जाती है माहिदे की, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी।